जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के निर्देश पर राजकीय इंटर कॉलेज कन्यालीकोट में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएलवी रतन सिंह दानू ने बताया कि मानव जाति के लिए पौधों का महत्व विषय पर जिले में पौधरोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। रांची इंटर कॉलेज कन्यालीकोट में प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षकों व ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से पौधरोपण किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि पौधों से ही पृथ्वी पर मानव जीवन टिका हुआ है, ऐसे में हमें अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए। ग्रामीणों ने भी पौधरोपण में हिस्सा लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आज विधिक प्राधिकरण सेवा बागेश्वर के तत्वाधान में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें श्री रतन सिंह जी यहाँ पर उपस्थित थे, जिनके निर्देशन में पूरे विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ ने आज यहाँ पर वृक्षारोपण किए। और जो अन्य गार्जियन जो एडमिशन के लिए जो अपने बच्चों को यहाँ पालने को लेके आए थे, उनके लिए भी उनको भी एक संदेश दिया कि हम पर्यावरण से कैसे अपने जीवन को और अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, इस बारे में यहाँ पर आपस में चर्चा चर्चा भी हुई और वृक्षारोपण भी किया। और क्योंकि आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवकाश घोषित होने के कारण विद्यालय में अवकाश था, छात्र छात्रा उपस्थित नहीं थी, तो समस्त स्टाफ द्वारा यहाँ पर देवदार, जामन और अन्य प्रजातियों के पेड़ों का यहाँ पर रोपण किया गया। और क्योंकि यह इस समय बरसात के सीजन में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, विद्यालय खुलने के पश्चात पुनः इस क्षेत्र में रोड के किनारे एवं जो हमारे विद्यालय की जो कोशिश क्षेत्र है उसमें भी वृक्षारोपण किया जाएगा और आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि हमारी प्रकृति, हमारी धरा खूबसूरत नजर आए और जिससे हमारा पर्यावरण और हमारा जीवन यह विविधता है वो बनी रहे। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।